गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. टुडे आई विल एक्सप्लेन चैप्टर 15 इन ग्रामर. इज, आर, एम एंड आईएनजी. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द यूज ऑफ इज, आर, एम एंड आईएनजी. एट फर्स्ट रीड दिस सेंटेंसेस. आई गो टू स्कूल. शी टीचेस देयर. दे लिव इन लंदन. The words in red are doing words or verbs. Verbs tell us about the action that is taking place. जो जो वर्ड जो रेड कलर के वो क्या है? डूइंग वर्ब्स है. डूइंग वर्ड्स है. ओके, तो डूइंग वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ब बोलते हैं. जो वर्ब है वो क्या बताता है कि क्या काम हो रहा है. नाउ नेक्स्ट रीड दीज सेंटेंसेस. आई एम अ टीचर. द ऑरेंज इज स्वीट. दे आर इन लंदन. इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड्स एम, इज एंड आर ऑल्सो वर्ब्स. दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स. इसे क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं. दे टेल अस अबाउट द स्टेट ऑफ अ पर्सन और अ थिंग. ये क्या बताता है कि वो स्टेट बताता है पर्सन और थिंग का. Now here, look at the table to understand how we use is, am and are in different types of sentences. Here is the statement and question. This is negative sentences. जब हम लोग I am use करेंगे, I am, तब वो question में क्या convert हो जाएगा? Am I? और फिर जब negative sentence बनाएंगे means नहीं में, नेगेटिव मीन्स कि आई एम नॉट. हियर इज नॉट इज नेगेटिव. ही इज, शी इज, इज ही, इज शी. क्वेश्चन में जब कन्वर्ट हुआ तो इज ही और इज शी. ही इज नॉट, शी इज नॉट. इट इज लाइक दिस. We can use it is, the dog is, we are, they are, you are, the birds are. Okay. Now here in conversation we often use short forms. Let us look at the some short forms of words. ये है long form, ये है short form और ये negative form. Okay. I am को हम लोग ऐसे short form में लेते. She is, these, you, he is, his, you are we are, they are. इसमें हम लोग इन सब वर्ड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं. और नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बस उसमें क्या जोड़ना है? नॉट. नाउ इन क्वेश्चन वन रीड एट द सेंटेंसेस यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स. वन हैज डन फॉर यू. सॉरी, आई एम सॉरी. फ्रॉम हेयर वी कैन राइट दिस ऑल. नाउ राइट क्वेश्चन इन योर नोटबुक फॉर सेंटेंस गिवन अबव. We often use is, am and are with describing words like hungry, thirsty, afraid, cold, hot, right and wrong. Fill in the blanks with is, am or are. In the first, I am at home. I ke saath hamesa am lagega. Okay. It is hamesa singular sentence mein use hota hai. Aur are hamesa plural ke saath use hota hai. जैसे इट इज कोल्ड आउटसाइड टूडे. इट है तो वो क्या सिंगल सेंटेंस सिंगल फॉर्म में है. ही इज डॉग्स या एस है तो ये प्लूरल फॉर्म में. तो हम लोग क्या यूज किए? आर. माई कैट इज, यहाँ पे एक कैट है तो ये क्या है? सिंगुलर है. दे आर, दे क्या है? प्लूरल है. तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए उसके साथ? आर. इन दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन वन एंड टू.